नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी राजस्थान की जितनी वैकेंसी सभी में काम आने वाले हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे साथ साथ में कमेंट जरूर करना। एक नंबर क्वेश्चन आज का, राती घाटी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। राती घाटी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, गंगानगर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका राइट रहेगा अपना बीकानेर। जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिश्नोई समुदाय के प्रवर्तक जम्बो जी का समाधि मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। बिश्नोई समुदाय के प्रवर्तक जम्बो जी का समाधि मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, बागौर, मचकुंड, मानगढ़ धाम या मुकाम तालवा, कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट रहेगा मुकाम तालवा। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर सादुल म्यूजियम कहाँ है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो कहाँ है फ्रेंड्स, ये बीकानेर में है। ठीक है, ध्यान रखना आपको बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित पाले वाला कौन सा है वो आपको बताना है। गंगापुर भीलवाड़ में स्थित वाले कौन सा है, धनुक माता का मंदिर, छावन माता का मंदिर, हरिणी महादेव मंदिर या फिर पाईसा महारानी का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या रहेगा इसका सी आंसर फ्रेंड, बहुत बड़े क्वेश्चन है, पाईसा महारानी का मंदिर। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन चार के अंदर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 32 खंभों वाली छतरी किसकी स्मृति में निर्मित की गई है, महाराणा सांगा, जगन्नाथ कछवा, महाराजा उमेर सिंह या फिर अमरचंद बड़ुआ, किसकी समृति में निर्मित की गई है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। तो इसका राइट रहेगा जगन्नाथ है कछुआ। जी फ्रेंड्स, बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, चश्मा ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड्स, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, तो क्या राइट रहेगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट है फ्रेंड्स जहांगीर। जी हाँ फ्रेंड्स, सी ऑप्शन 6 के अंदर अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, अजमेर, मुंबई, दिल्ली, उदयपुर, तो राइट रहेगा अपना अजमेर। जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन भारत का मक्का के नाम से प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कहाँ जीता गया वो आपको बताना है। कहाँ फ्रेंड्स, बयाना, भरतपुर, दुराई, अजमेर, खानवा भरतपुर या फिर दहमत है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, क्या रहेगा इसका सही आंसर, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है दुराई, अजमेर। जी हाँ फ्रेंड्स, बी ऑप्शन 8 के अंदर अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना, मुगल काल में राजस्थान के किस जिले को राजपुताना का नाका तथा ब्रिटिश काल में राजपुताना की चाबी कहा जाता था। फ्रेंड्स, ध्यान से सुना, द्वारा राजस्थान के किस किले को राजपुताना का नाका, मुगल काल की बात है, और ब्रिटिश काल में राजपुताना की चाबी कहा जाता था। दोस्तों ध्यान से सुनो, आंसर देना अजमेर, अलवर, उदयपुर, जयपुर, तो क्या राइट रहेगा फ्रेंड्स, वो है अजमेर। ठीक है, मुगल काल में राजपुताना का नाका था और ब्रिटिश काल में राजपुताना की चाबी थी, तो ए ऑप्शन 9 के अंदर अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, तिजारा में जैन संप्रदाय के कौन से भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड्स, चंद्र प्रभु जी, महावीर जी, मल्लिनाथ जी या फिर आदिनाथ जी, क्या राइट रहेगा वो आपको कमेंट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड्स। जी हाँ, चंद्र प्रभु जी, ए ऑप्शन 10 के अंदर अपना इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ स्थित है दोस्तों, पुष्कर, सांबरनाथ द्वारा, किशनगढ़, कहाँ स्थित है वो आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए आप। राइट, बिल्कुल सही आप लोगों का पुष्कर, ए ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, सरवाड़ा, बयाना, पिपलोदिया फिर दुद्दू, कहाँ है फ्रेंड्स वो आपको बताना है। तो इसका रहेगा सरवाड़। ठीक है, ए ऑप्शन 12 के अंदर अपना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन, अजमेर स्थित नारेली है सिख मंदिर, मस्जिद, वैष्णो तीर्थ या फिर प्रसिद्ध जैन तीर्थ, क्या है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध जैन तीर्थ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, अलवर में कंपनी गार्डन में स्थित समर हाउस शिमला का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा मंगल सिंह ने, विनय सिंह ने, बख्तावर सिंह या फिर शिवदान सिंह, किसने करवाया था फ्रेंड्स, ये महाराजा मंगल सिंह ने करवाया था। ठीक है, ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 के अंदर। 15 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, फातिह खान किसे कहते हैं,
हाथी खान किसे कहते हैं, रामकुंड को, भीमकुंड को, गंगा सागर कुंड या फिर सूरज कुंड को? तो किसे कहते हैं ये, रामकुंड को कहते हैं फातिह खान। ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे प्लीज़ आप लाइक जरूर किया करें फ्रेंड, लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कालिंजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, माही, सोम, हिरण या फिर अनास? तो कौन सी नदी के फ्रेंड्स, हिरण नदी के, ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है, ऋषभ देव जी का मंदिर है कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, नोखा बीकानेर, कामा भरतपुर, तिजारा अलवर, फिर कालिंजरा बांसवाड़ा। तो क्या रहेगा सही आंसर फ्रेंड्स, वो है कालिंजरा बांसवाड़ा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, बांसथोनी शिवालय, बांसथोनी शिवालय राज्य के किस जिले में स्थित है, बारा, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, जल्दी से बताएं, राइट रहेगा इसका बारा, ठीक है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें 18 के अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात स्थल कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़गज देवालय, काकुनी मंदिर समूह या फिर कपिलदार तीर्थ या फिर भंड देवरा मंदिर? तो राइट रहेगा अपना, जी हाँ, भंड देवरा मंदिर, डी ऑप्शन फ्रेंड्स, डी ऑप्शन 19 के अंदर अपना राइट है। 20, बांसवाड़ा स्थित छींच माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बांसवाड़ा स्थित छींच माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स, देवीदास ने, उदयभान ने, महाराज प्रताप सिंह टीम ने या फिर महाराज अग्रसेन ने? तो किसने फ्रेंड्स ये करवाया था, देवीदास ने, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स आप। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, पांडुपोल, सिलिसेट झील, विजय सागर पाल या फिर गरबाजी जलप्रपात? क्या रहेगा इसका सी आंसर, सिलिसेट झील फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन प्राइस में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 के अंदर। 22, अलवर में कंपनी गार्डन किसे कहते हैं, मानगढ़, सरिस्का, पूजन विहार या फिर झिलमिलदा? तो किससे कहते हैं फ्रेंड्स, अलवर में कंपनी गार्डन, पूजन विहार को, ठीक है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स, सी ऑप्शन 22 में अपना राइट हो जाएगा। 23, कौन से मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित है, कौन से मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित है, आरथुणा के, रणकपुर के, दिलवाड़ा के, काकुनी के? तो इसका राइट रहेगा अपना आरथुणा के मंदिर, ठीक है, आरथुणा के मंदिर, ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें 23 में राइट हो जाएगा। 24, किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहते हैं, किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहते हैं, काकुनी मंदिर, फुलदेवरा मंदिर, भंडेवरा शिव मंदिर या फिर उपयुक्त से कोई नहीं? तो कौन से को फ्रेंड्स, वो आपको बताना पीछे रहेगा, फुलदेवरा मंदिर, जी हाँ फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना इसमें 24 में राइट हो जाएगा। 25, राज्य की अवरक नगरी किसे कहा जाता है, राज्य की अवरक नगरी किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, लूणकर्णसर? तो किसे कहा जाता है राज्य की अवरक नगरी, भीलवाड़ा को, ठीक है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स, 22 अपना राइट हो जाएगा 25 में, ठीक है। 23, बागोर गुरुद्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बागोर गुरुद्वारा फ्रेंड्स, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर? तो किस जिले में फ्रेंड्स, ये भीलवाड़ा में है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स, सी ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। 27, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के समीप स्थित मेनाल में किन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है, बनास बेड़द मेनाल, बनास गंभीरी मेनाल या फिर गंभीरी बेड़द मेनाल या फिर बनास गंभीरी बेड़द? तो राइट रहेगा अपना ए ऑप्शन, बनास बेड़द और मेनाल, जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन 27 में राइट हो जाएगा। इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। कौन सा मंदिर बीकानेर जिले में स्थित है, अंता देवी का मंदिर, श्री चिंतामणि का, लालेश्वर का शिव मंदिर या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स, थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है, तो जल्दी से राइट क्या रहेगा फ्रेंड्स, सभी ये बीकानेर जिले में स्थित है, तो डी ऑप्शन उपयुक्त है, सभी डी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 29 फ्रेंड्स, किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था, किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, असावरी माता का मंदिर या फिर बाड़ोली का शिव मंदिर? 29 फ्रेंड्स, तो इसका राइट रहेगा तुलजा भवानी का मंदिर, ठीक है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स, 29 में बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 30 नंबर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, विजय स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ या फिर फतेह प्रकाश महल? तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स, वो है विजय स्तंभ,
भारतीय मूर्तिकला का विशेष कोष है, ठीक है। ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें 30 के अंदर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स आप जरूर करके बताना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जाते जाते आप वीडियो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट लगे, बढ़िया ना लगे क्लास, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताया करो। लेकिन आप फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। कमेंट करके आप बता दिया करो, वो कोई कमी है तो वो ज़रूर पूरी करेंगे। और ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान की जितनी वैकेंसी है उन सभी में आपके काम आने वाला है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी न भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।